अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाह वबरकात। अगर आप जानना चाहते हैं कि SSGP की फ़ीस कितनी होगी, तो उस चीज़ को अब जानने के लिए आपको क्या चीज़ को सर्च आउट करना है और वो चीज़ आपको कहाँ से अवेलेबल होगी। आपने सिंपल SSGP की वेबसाइट को विज़िट करना है और उसमें SSGP.gov.pk में जाना है और उसमें आपने उसके जो फ़ी कैलकुलेटर है उसमें जाना है। फीस में उसमें 7th स्केड्यूल की जो है कंपनीज एक्ट 2017, उसके अंदर मेंशन है कि आप ने कितनी फीस पे करनी है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उस वक्त कितनी फीस होगी, और अगर फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उस वक्त कितनी फीस होगी। इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी इलेक्ट्रॉनिकली और जो फिजिकली है उसमें 100% का डिफरेंस है, लेकिन कुछ केसेस में ये 100% नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सो इसमें 11,000 रुपीज़ फीस लिखी हुई, और इसमें फिजिकली में 16,500। इट्स मीन के जस्ट 50% इसमें ज़्यादा फीस है। तो इन कुछ केसेस में ये फीस बहुत मैटर करती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अगर लास्ट कंपनी फाइल करती हैं सो 3.5 लाख रुपये, और अगर वो ही फिजिकली सबमिट करते हैं तो 7 लाख रुपए। तो जो 7th स्केड्यूल है उसमें सारे फीस की डिटेल्स मेंशन है कि आप कौन से प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें क्या फीस आप पे एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं SSGP में, और उसकी फीस कितनी आपने कैलकुलेट करनी है, और अगर वो कंपनी की प्रोफाइल है तो अगर इलेक्ट्रॉनिकली वो तो है ही, प्रोसेस ही ऑनलाइन है, उसमें फिजिकली पॉसिबिलिटी नहीं है, सो उसकी 1,000 रुपीज़ फीस है। सो इसमें ऑलमोस्ट सारे आपकी जो जितनी भी फीसेज हैं प्रोसेसेस की वो मेंशन है। आप इसको अपनी रेलिवेंट फीस को सर्च आउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने कितनी फीस SGP को पे करनी है उस प्रोसेस के अगेंस्ट।